की स्थिति में रहती है पूरे टाइम। चलिए अब शुरू करें, हो गई है 5 मिनट। हाँ जी, तो 5 मिनट हम शुरुआत में बतियाते हैं, ये हमारा नियम होता है, और उसके बाद में 40 मिनट पढ़ते हैं, फिर जो बच जाता है उस समय पर फिर हम पढ़ते हैं, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं साथियों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम 5 ईयर प्लानिंग पढ़ रहे थे, और 5 ईयर प्लानिंग के अंदर कल हम पहुंच चुके थे 1966 तक, जब मैंने आपसे कहा था कि भारत ने बहुत सारी चीजें ऐसी देख ली थी जो कि आउट ऑफ कंट्रोल थी। अब जब स्थितियां नियम, उसमें से निकालो ना प्रिंटर में से, हाँ, जब स्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं थी, तो तब जाकर के फिर हम लोगों ने क्या अपनाई, छुट्टियां अपनाई। छुट्टियां किस चीज की अपनाई, देखिए प्लानिंग करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हमारे पास पैसे हों, है ना। पैसे ही नहीं है तो हम प्लानिंग कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं ये कहूं कि अभी जैसे कोरोना काल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अनफोर्सीन सिचुएशंस देखी हैं, जिसके मतलब था कि अच्छी खासी नौकरी चल रही थी, अचानक नौकरी चली गई, या कुछ भी ऐसी स्थितियां बनी कि वो अपने घर वालों के लिए पैसे एकत्रित नहीं कर पाए। ऐसे ही इंडिया के साथ हुआ। साथियों इंडिया ने क्या किया था कि बढ़िया से अपना अब तक प्लानिंग चलाता हुआ आ रहा था, लेकिन जो हमारे साथ बैक टू बैक युद्ध हुए, 1962 का युद्ध हुआ, है ना, इसके बाद में जो 1965 का वॉर हुआ, ये सब चीजें जब चल रही थी, तो फिर ये हुआ कि हम मतलब युद्ध से लड़ते लड़ते पैसे बचाने की स्थिति में नहीं रहे, और अल्टीमेटली फिर हम लोगों ने प्लानिंग से ही छुट्टी कर दी। हाँ भाई, अरे यार प्रीति अब स्टडी भी नहीं करूं क्या जगदीप? हाँ भाई क्या हो गया, जगदीप और प्रीति क्यों झगड़ रहे हैं आपस में? अच्छा मतलब यह उल्टा हो रहा है, मतलब प्रीति प्रीति जो है वो जगदीप को मतलब स्टॉक कर रही है। हाँ वेरी गुड, हाँ जी बताइए। तो शुरू करें अपन, तो मुद्दा ये था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना हमने देख ली, अब हम चल रहे हैं योजना अवकाश की तरफ। योजना अवकाश क्यों आया, तो अब इसके बारे में सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोगों ने जो थर्ड योजना बनाई थी उसमें हम फेल हो गए, है ना। हाँ ठीक है, हाँ तो हम यहाँ पे क्या हो गए कि हम अपनी प्लानिंग में फेल हो गए। प्लानिंग में फेल कैसे हो गए, क्योंकि तीसरी योजना के अंतर्गत हम लोगों ने 5.6% का टारगेट लिया था, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ रेट हमारी 2.8% आई, तो हम जो सोच रहे थे। अच्छा एक बात मैं आपको और बताता हूँ, कई बार ना इकोनॉमिक्स में ये बात समझ में थोड़ा कम देरी से आती है कि जितना ज्यादा ग्रोथ होगा उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये ग्रोथ रेट हम क्यों मापते हैं कि ये जो हम ग्रोथ रेट मापते हैं ना कि हाँ भाई इंडिया की ग्रोथ रेट इतनी है, आप में से कईयों के दिमाग में ये आता होगा कि ग्रोथ ना भी हो तो क्या फर्क पड़ जाएगा, है ना। एक बहुत बेसिक सा सवाल है कि अगर ग्रोथ ना भी हो, मान लीजिए कि जितने थे उतने पे ही रह गए, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो साथियों होता क्या है, आपको मालूम है इंडिया के लिए कितना परसेंट ग्रोथ रेट रिक्वायर्ड है जब हम सब लोग सेटल हो जाएंगे, मतलब किसी को बेरोजगारी नहीं होगी, सब लोग बढ़िया से काम कर जाएंगे, ये बताया नहीं जाता है। सामान्यतया इंडिया के केस में तो ये बहुत ही कम मतलब चीज आउट की जाती है। स्टैटिकल सर्वे का अनुमान है कि इंडिया की ग्रोथ रेट जब 11% से ऊपर होगी, जब इंडिया की ग्रोथ रेट लगातार 2-3 साल 11% से ऊपर चलने लगेगी, तब जाकर के हम सबको रोजगार के अवसर देने की स्थिति में होंगे। हम 11% अभी तक नहीं पहुंचे हैं, हमारी ग्रोथ रेट तो अभी नेगेटिव में चली गई थी, कोरोना काल में तो माइनस में चली गई थी। तो अगर किसी को ना ये समझना हो कि भारत में बेरोजगारी के क्या हालात हैं, तो ये समझे पहले कि ग्रोथ रेट के क्या हालात हैं। और अगर इंडिया में ग्रोथ रेट 11% से नीचे, 11% से नीचे तो छोड़िए, हम 0 से नीचे चले गए, अभी तो माइनस में हम चले गए थे ना, ठीक है ना। तो हम ऐसी स्थिति के अंदर, साथियों डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, कौन पूछ रहा है भाई ये, जयश्री बेटा 17 अप्रैल,
है ना, 17 अप्रैल, तो हम लोग जो है कोरोना काल में, और बहुत सारे देश नीचे चले गए। आज अगर आपने सुबह मेरे साथ में साउथ अफ्रीका पढ़ा था, तो साउथ अफ्रीका के केस में मैंने आपको बताया भी था, अगर आपके ध्यान हो, कि हम साउथ अफ्रीका में -7% ग्रोथ रेट चली गई है। देखिए, और आपको याद होगा, अगर आज रिसेंटली आपने वो वाला एग्जाम्पल सुना हो, तो मैंने पढ़ाया था -7% ग्रोथ रेट है, और 32 से लेकर 34% तक यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब ग्रोथ रेट वर्सेस अनएम्प्लॉयमेंट को आप रिलेट कर सकते हैं। आगे बात समझ में? तो ग्रोथ रेट जितनी नेगेटिव में गई, अनएम्प्लॉयमेंट उतना ही बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट तक। हाँ, ये यही चीज जो है बस यहां पर महत्वपूर्ण है, जो मैंने आपको बताई है। क्लियर है? अच्छा, तो ये जो आपने पॉइंट देखा वो क्या है कि 11 पर प्लस जो मैंने आपको बताया कि हमारी ग्रोथ रेट बढ़ना जरूरी है। तो आप ये सोचिए कि इंडिया को मैंने शुरुआत में 3 समस्याएं बताई थी, भुखमरी थी, रोजगार था, और खाद्यान्न, मतलब भुखमरी थी, रोजगार था, और बाकी जो भी था, मतलब ये एम्प्लॉयमेंट समझ सकते हैं, भोजन की आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब हमारे लिए बहुत बड़े इशू थे। लेकिन अल्टीमेटली जो भुखमरी और जो रोजगार है, ये एक ही चीज से मैनेज हो सकता है, और वो है ग्रोथ। और ग्रोथ के लिए हमने टारगेट रखा कि हम 5.6% अगर ग्रोथ कर लिए, तो जो उस समय की आबादी है उसे हम रोजगार दे पाएंगे। तो आप सोच के देखो, हम 2.8% ही रह गए, यानी जितना सोचा था उससे आधा रह गए। इसका मतलब बाकी लोगों के लिए कुछ करना तो पड़ेगा, जो बेरोजगार रह गए उनके लिए क्या करें। तो हम जब बेरोजगार रह गए उनके लिए क्या करें, ये बात मुझे अब आपके साथ शेयर करनी है। तो प्लान हॉलीडे, अब सुनिए, द मेन रीजन बिहाइंड दी प्लान हॉलीडे वाज द इंडो पाकिस्तान वॉर एंड फेलियर ऑफ द थर्ड प्लान। तो ये बात मैं कल बता चुका हूं, फेलियर ऑफ थर्ड प्लान, दैट द डिवेल्यूएशन ऑफ रुपी अलॉन्ग विद इन्फ्लेशन रिसेशन लेड टू द पोस्टपोनमेंट ऑफ फोर्थ फाइव ईयर प्लान। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, अमेरिका के कहने पर हमने अपने रुपए को नीचे गिराया, जिसे हम डिवेल्युएशन कहते हैं, मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। ये कल मैं आपको सिखा चुका हूं। दूसरा क्या चीज सिखाई हमने आपको, हमने ये सिखाया कि इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा। अब आपको ये समझना है, देखिए, अमेरिका से हमने कहा कि देखिए हमको पैसा चाहिए, धन चाहिए, तो उसने कहा कि देखिए पहले आप अपने पैसे को थोड़ा नीचे लाइए। बोले सर, हमारे यहाँ पर 10 रुपए में पानी की बोतल मिल जाती है, अगर मैं आज की बात करूं सर, 15 रुपए में पानी की बोतल मिल जाती है। तो अमेरिका वालों ने कहा कि आपके यहाँ मिल जाती होगी, मेरे यहाँ पर अगर देखोगे तो 300 रुपए में मिलेगी, मतलब $5 की आपको मिलेगी, $4 की आपको पानी की बोतल मिलेगी, लेना है तो लो, नहीं मत लो। तो इंडिया ने कहा सर, तो आप सामान के आधार पर देखो ना कि हम कितना डिफरेंस क्रिएट कर चुके हैं। अमेरिका ने, नहीं ऐसा नहीं है, तुम लोगों को अगर मेरे बराबर आना है तो रुपया को बराबर नहीं करोगे, उसको नीचे गिराओ। मतलब आप इसको ऐसे समझो, थोड़ा सा मैं आपको इस बात को समझाता हूँ, तब जाकर के ना आपको फॉरेक्स, आयात निर्यात, ये सारी बातों का बेसिक पकड़ बनेगा। आप ऐसे समझिए, एक वाटर बोतल है। अब एक वाटर बोतल इंडिया के अंदर इजीली आप चाहे किसी भी बढ़िया जगह से ले लीजिए, 20 रुपए में आपको एक वाटर बोतल मिल जाती है। अगर मैं $1 की बात करूं, 80 रुपए का डॉलर भी है अगर, तो 4 पानी की बोतल हमको मिल जाती है। ये हम लोगों को ना, मतलब ये पकड़ के चलने वाली बात है, ठीक है ना, 4 पानी की बोतल इजीली मिल जाती है। वहीं पर अमेरिका के अंदर $3 से लेके $4 की, जैसे अभी मेरे एक रिलेटिव कल ही पेरिस से आए थे, उनका मतलब यही उदाहरण था। बोले सबसे पहले मैंने एक जगह पानी की बोतल खरीदी, तो वो मतलब यूरो के हिसाब से उनको 300 रुपए की पड़ी। बोले पिया नहीं गया पानी, मतलब ऐसा लगा कि यार ये क्या हो गया, मैं कैसे जीऊंगा, मतलब पानी नहीं पी पा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में, हाँ, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ साथियों, कि जब आपने अगर 4 यूरो की अगर बोतल खरीद ली, या फिर आपने $5 की आपने बोतल खरीद ली, तो यार वो 300-400 रुपए की बोतल पी नहीं जाएगी ना, टेक्निकली देखो तो 1200 रुपए। अब हम अगर एक बार से बात करें हैं, तो ये समझ के देखिए कि अमेरिका वाले, अगर हम ये बात करते हों कि $1 में कितना आ रहा है, या फिर मैं ये करूं कि भाई 4 बोतल पानी जो हमारे यहाँ 80 रुपए का आ रहा है, अमेरिका के अंदर यार वो 1200 रुपए का है। तो हिसाब से तो हमें वस्तुओं के आधार पर मूल्य निर्धारण करना चाहिए। मतलब डॉलर इतना भी कीमती नहीं है जितना बना दिया गया है मार्केट में। तो फिर सर ये कैसे डिसाइड हुआ कि डॉलर इतना कीमती है, मतलब डॉलर को हमसे इतना ऊपर कैसे ले जाया गया? रीजन था साथियों, क्योंकि हमारे पास कुछ था ही नहीं। आज भी हम अमेरिका के रहमो करम पर ही पल रहे हैं, इसलिए डॉलर आज भी नीचे है, और सॉरी, आज भी रुपया इसीलिए नीचे है। डिवेल्युएशन ऑफ मनी जो है, करेंसी जो है, वो इसलिए किया गया क्योंकि अमेरिका वालों ने कहा कि तुम गरीबों का सामान मैं सस्ते दामों पर खरीदना चाहता हूं। हमने उसे एक्सपोर्ट समझा, यही कारण है कि इंडिया ने बहुत सारा एक्सपोर्ट किया और धन कमाया, जिसे आप डॉलर में फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं। ठीक है, बाद में फिर हमको ये समझ में आया चाइना की होड़ा होड़ कि बेटा इसमें तो बड़ा मजा है,
वैल्यू नीचे रखो, वैल्यू नीचे रखने से एक्सपोर्ट तो ऑटोमेटिक बढ़ने शुरू ही हो जाएंगे। मतलब अमेरिका ने जो इंडिया के साथ किया शुरुआत में, वो तो क्या था कि मजबूरी में हमारी वैल्यू नीचे गिरवाई गई कि वैल्यू को नीचे लाओ। हम ले आए, पहले तो हमें बहुत बुरा लगा, जैसे आप में से भी बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा लगता है, लेकिन बाद में हमें फायदे समझ में आए चाइना को देख करके। और कैसे समझ में आए? क्योंकि चाइना ने हमको ये सिखाया कि कम दाम पर अगर वस्तु बनाओगे तो बिक जरूर जाएगी, कोई रोकेगा नहीं। मतलब बिक जरूर जाएगी से मतलब ये हो गया कि भाई एक्सपोर्ट आसानी से होंगे, कोई भी उसको खरीदने के लिए चला आएगा, उतने कम दाम में सामान कोई भी ले लेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो यही नतीजा निकला, चाइना ने चला करके अपनी वैल्यू का नाम कम कर, वैल्यू के दाम कम कर दिए कि भाई डॉलर के मुकाबले तो साहब मेरा तो माल और सस्ता है, मैं वैल्यू को डिवेल्युएट कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसने तो चला के किया। इंडिया ने भी फिर इस प्रकार से काम करना शुरू किया कि बोले सर डॉलर के हमने उठना ही नहीं चाहते, आप तो एक्सपोर्ट लो, हम इतने में करके भी तुम्हारे वहां का मार्केट खत्म कर देंगे। और इंडिया ने किया। भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां वर्ल्ड हम पर डिपेंडेंट है। आपको लगता होगा कि इंडिया केवल खाद्यान्न एक्सपोर्ट करता है, फीलिंग आती होगी ये यार अनाज भी कोई एक्सपोर्ट करने की चीज है क्या? बेटा दिन याद करो 1966 के, जब अनाज की उपस्थिति में हमारे हैं, हमने एक दिन तक रोटी नहीं खाई थी, है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर मतलब दिन में एक टाइम रोटी खाना बंद कर दिया था। तो अनाज तो सबसे प्राइमरी नीड है, तो इंडिया उसका एक्सपोर्टर है, नेट एक्सपोर्टर है। तो ऐसी स्थिति में दुनिया के लिए इंडिया बहुत बड़ी चीज है। अपन लोगों को लगता है घर के घर में अपन अपनी इज्जत नहीं करते, घर का जो कि जोगना अणगांव का सिद्ध, वही वाली कहानी है अपन लोगों के साथ। तो ये प्लान हॉलीडे आया, और प्लान हॉलीडे के अंदर हमने 1966 के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन किया, जिसकी वजह से हमने बढ़िया से अनाज की पैदावार करी। और इसी दौरान हम लोगों ने नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक किया। अब इसका क्या मीनिंग है जरा ध्यान से सुनिएगा, है ना। अब जो भी विद्यार्थी आपस में बतियाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, कृपया करके होल्ड कर लें। जिनको जो भी बतियाना है लास्ट में बतिया लें प्लीज, क्लास में क्लास के अलावा कुछ नहीं प्लीज, है ना, रिक्वेस्ट है। तो अब सवाल बना कि सर एक बात बताएं कि हाँ, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक क्यों किया गया? 1969 में बैंकों को नेशनलाइज किया गया, इसका मीनिंग क्या है? मतलब इससे पहले लगता नहीं था कि जरूरी है। अब इसको समझने का प्रयास करिए। पहले तो समझते हैं नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है बैंकों का आम जन के लिए खुल जाना। अगर आप आम आदमी हैं तो आप बैंक में जा पाएं, समझिएगा मेरे प्यारे साथियों, अगर आप आम आदमी हैं तो आप बैंक में जा पाएं। आप में से कई लोग कहेंगे सर हम तो खूब बढ़िया से जाते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे होंगे साथियों जो सिटी बैंक के ऑफिस गए होंगे? एक बार के लिए थम्स अप करके बताइएगा। सिटी बैंक के ऑफिस कितने लोग गए होंगे, है ना। एक विद्यार्थी लिखे ना सर बड़ा महंगा बैंक है वो। नहीं, महंगा नहीं है वो। हाँ, कई लोग तो जानते ही नहीं कि है भी कि नहीं हमारे यहाँ पे, है ना। ऐसे ही HSBC बैंक के ऑफिस में कितने लोग गए होंगे? HSBC, है ना, पहली बार सुन रहे हैं ना। हाँ, रीजन है एग्जैक्टली पहले यही हाल SBI का था, PNB का था। ये बैंक जो आप सुन रहे हैं ये भी बैंक आज इंडिया में है, HSBC, सिटी बैंक। साथियों ये बैंक वो है जहां पर आम जन नहीं एंट्री करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इनके क्राइटेरियाज ऐसे हैं कि इनके यहाँ पर अकाउंट खोलने का मतलब हुआ कि आपको अकाउंट में मिनिमम 5 लाख रुपीज रखने हैं, मिनिमम 5 लाख रुपीज आपको मेंटेन करने के लिए चाहिए, ठीक है। आपका एक अकाउंट है जो 1 लाख रुपए से खुल रहा है, 10 लाख रुपए से खुल रहे हैं, 20 लाख रुपए से खुल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि इनमें एक स्टेटस चल रहा है, वहां अलग ही लड़ाई चल रही है कि यार सिटी बैंक में तेरा है कि नहीं ऑफिस, है कि नहीं। हमारे अलवर में तो सिटी बैंक है ही नहीं, लेकिन गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा जहां पर इनके ऑफिसेज हैं वहां पर लोग जो है सिटी बैंक अपने आप में मतलब स्टेटस लेके चलते हैं, सिटी बैंक में मेरा वो है, खाता है। ऐसे ही पहले एक जमाना था जिस समय बैंक में जाना बहुत मुसीबत का काम होता था। अब आप पूछेंगे सर बैंक से वैसे भी हमारा कौन सा काम पड़ रहा है? यार बैंक से तो बहुत काम पड़ता है। कैसे? बैंक से काम पड़ता है आपका जितना भी आज का अर्थव्यवस्था चलती हुई देख रहे हो, ये बैंक के द्वारा दिए गए लोन पे ही तो चल रही है। बैंक ने जो लोन दे रखे हैं लोगों को, सबने कुछ ना कुछ प्रकार के लोन ले रखे हैं। अब वो जो छोटे मोटे लोन है ये बैंक से ही तो आ रहे हैं। अगर आप बैंक गए ही नहीं तो फिर सरकार तरक्की कैसे करवाएगी आपको? एक बात बताइए मुझे, आप कभी बैंक गए नहीं और मुझे आप तक मदद पहुंचानी है,
मतलब सरकार होने के नाते मैं चाहता हूं कि आप मुझसे उधार लेके काम शुरू करें और बाद में जब आपके पास पैसा आ जाए तब रिटर्न कर दें आसान किश्तों में। यही तो हुआ ना, लेकिन वास्तविकता में क्या हो रहा है, आप आ ही नहीं सकते बैंक क्योंकि मैंने तो शर्तें बहुत ऊंची कर रखी हैं। अब आपको समझ में आया बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या हुआ? बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मतलब हुआ कि आम जन जो है वो अब बैंक में जा पाएगा। जब वो बैंक में जा पाएगा तो वहां से लोन ले पाएगा। जब वहां से लोन ले पाएगा तो पैसा वहां से लोन लेने के बाद में वो अपने और डेवलपमेंटल वर्क कर पाएगा। तो ये छोटी बात नहीं है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक होना, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा ही राष्ट्रीयकरण से एक भी उससे भी बड़ा एक काम जो अभी हुआ वो क्या था, वो प्रधानमंत्री के द्वारा जनधन आधार अकाउंट जो खुलवाए गए थे, है ना। आपने देखा होगा कि मतलब पूरे भारतवर्ष में एकदम लहर की तरह से 60 करोड़ से ऊपर खाते खोल दिए गए, है ना। वो क्यों खोले गए? क्योंकि आज आप नोटिस करिए किसी भी व्यक्ति के पास चले जाइए, शायद ही कोई ऐसा होगा जो अपना अकाउंट यूज ना करता हो। जैसे अभी जैसे मान लीजिए किसानों के लिए सरकार ने अपने द्वारा एक योजना चलाई कि भाई किसानों को 2-2 हजार रुपए की 6 हजार की किश्त देनी थी, मध्यम और वो क्या कहते हैं लघु और सीमांत किसानों को सरकार के द्वारा हाल ही में धन देना था। तो बताइए कैसे देते, क्या लाइन लगवाते कि लो पैसे ले जाओ? नहीं, तो क्या करते थे, कृषि कल्याण योजना जो रही उसके अंतर्गत क्या किया, सरकार को पता था ये लोग जो हैं वो सीमांत और लघु किसान हैं, सीधा उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। हमको पता ही नहीं चला, कोई कहीं लाइन नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ और सीधा उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया। आ गई बात समझ में? ऐसे ही सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली बहुत सारी योजनाएं, जैसे राज्य राज्य स्तर पर, मैं अपने राजस्थान की बात करूं, आपके भी अपने अपने राज्यों में होंगी, जैसे मान लीजिए कि राज्य स्तर पर हमारे राजस्थान में चल रही है एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, है ना। तो ये जो पेंशन योजनाएं हैं, इन पेंशन योजनाओं में कोई नौकरी थोड़ी करनी पड़ती है, सरकार पैसा देती है ना। तो ऐसी स्थिति में वो जो पैसा आया वो सीधा खाते में गया, इससे क्या हुआ फायदा, सरकार जिसके लिए जब भी निर्णय लेना चाहती है तुरंत निर्णय ले सकती है। अदरवाइज पहले क्या होता था, पहले सबसे बड़ी बात यह थी कि अगर सरकार को 6 हजार रुपए किसान तक पहुंचाने हैं तो सरकार तक किसान पहुंचाएगी पैसे सरकार, तो हो सकता है किसान के पास 1 हजार रुपया ही पहुंचे, 5 हजार रुपए तो वो बीच के जो अधिकारी लोग हैं वो अपना अपना कट निकाल के साइड में हो जाए। आई बात समझ में? तो ये जो चीज है ना जिसके लिए राजीव गांधी जी ने भी एक लाइन बोली थी कि मैं रुपया ऊपर से भेजता हूं तो 5 पैसा नीचे पहुंचता है ना। हाँ, ये मतलब इंडिया में इतना बुरा करप्शन का हाल था, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये बहुत बड़ी चीज है जो आपको समझनी चाहिए। तो राष्ट्रीयकरण बैंकों का होना आपके लिए एक छोटी बात हो सकती है, लेकिन ये बहुत बड़ा डिसीजन था उस समय पर। हालांकि अब देखिए सरकारें हैं एक दूसरे का विरोध करेंगी, लेकिन फिर भी उस समय पर भी ये एक बहुत बड़ा काम था 1969 में, लोगों को बैंक तक भेजना, और इस बार भी ये बहुत बड़ा काम है जब लोगों तक जनधन आधार मोबाइल अकाउंट बनवाए गए ताकि सब लोग सुरक्षित हुए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे चलते हैं। आज आप मतलब रिलेट करिए चीजों को, जैसे हमारे राजस्थान में एक योजना चली है चिरंजीवी योजना, जो कि राजस्थान की मतलब देश के अंदर इससे बेस्ट शायद ही कोई योजना हो, जिसमें राजस्थान का हर नागरिक, चाहे वो पैसे वाला, अमीर, गरीब, किसी भी वर्ग, मध्यम जाति, कैसे भी हो, उन सबको 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा सरकार दे रही है। अब उस स्वास्थ्य बीमा के लिए 850 रुपए पर वर्ष, प्रति वर्ष एक परिवार को पे करने हैं। वो कहां से कटेगा? आपके अकाउंट से सीधा कट जाएगा। मध्यम वर्ग वालों को और उच्च आय वर्ग वालों को तो सरकार काट लेगी, बाकी सरकार सबका जो है वो सरकार दे देगी। तो कैसे होगा? अकाउंट से होगा। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना, ये समझिए इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी चीज थी, और उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो हमने हरित क्रांति कर ली, हाँ जी, और हमने हरित क्रांति करने के बाद में नेशनलाइजेशन कर लिया, ठीक है। चलिए अब आते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना में, मतलब हमने एक आमूलचूल सुधार किया इस दौरान ताकि हम देश को आगे ग्रोथ दे सकें। चौथी पंचवर्षीय योजना आती है 1969 और 74 की। इसमें क्या हुआ, अब हमने इस बार दो ग्रोथ प्रोजेक्ट रखे। क्या ग्रोथ प्रोजेक्ट रखे? हमने कहा कि हमको ग्रोथ करनी है लेकिन एक स्टेबिलिटी के साथ में, और हमें कुछ प्रोग्रेसिव अचीवमेंट कर रहे हैं ताकि हम आत्मनिर्भर हो सकें। अब कैसे होंगे आत्मनिर्भर, बड़ा सवाल है ये। ग्रोथ विद स्टेबिलिटी नंबर वन, और प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंट, यानी हमें आत्मनिर्भर होना है। आत्मनिर्भर होने का मतलब क्या होता है सर? सर आत्मनिर्भर होने का मतलब ये है कि अभी हम बाहर वालों से खाना मंगा के खा रहे हैं, हम अपना भोजन खाएंगे क्योंकि हरित क्रांति हो चुकी है। आगे बात समझ में? ड्यूरिंग दिस प्लान द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है,
ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि गरीबी हटाओ नारा कब दिया गया था। क्लियर? तो मेरे प्यारे साथियों, गरीबी हटाओ नारा 1971 में क्यों हम इस नारे को देने में कामयाब हुए? हम इस नारे को देने में कामयाब इसलिए हुए क्योंकि इस भारत अब खाद्यान्न आपूर्ति करने के लिए तैयार हो चुका था। लोगों को जो भूख से मर रहे थे उन्हें ये फील दिला सकते थे हम कि देखिए आपके लिए भोजन उपलब्ध है ना। राष्ट्रीयकरण और निजीकरण में क्या अंतर है? राष्ट्रीयकरण का मतलब है बैंक सरकारी रहेगी, जनता आम जनता रहेगी। निजीकरण का मतलब है कि बैंक भी किसी प्राइवेट व्यक्ति की हो जाएगी। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वर अमंग मेजर टारगेट ऑफ प्लान। ये भैया गजब ही था, है ना। इसमें चली थी मांस नसबंदी, है ना। नसबंदी का प्रोग्राम लिया गया था। नसबंदी का प्रोग्राम था मतलब, हाँ जी, एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं सर हमने गरीबी हटाई या गरीबों को हटाया। बेटा ये थोड़ा पॉलिटिकल डायलॉग बाजी ना करें क्लास में, ये पॉलिटिकल डायलॉग बाजी के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ ये सारी चीजें, ना ही मैं किसी सरकार की बुराई करने के लिए ना अच्छाई करने के लिए, है ना। पढ़ते समय एक टेम्परामेंट अपने दिमाग में अच्छा रखें तो ही चीजें सीख पाएंगे, अदरवाइज नॉलेज नहीं घुसेगा, है ना। हाँ जी, तो अब क्या हुआ बच्चों, हमने क्या अपना ही फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का मतलब कि लोगों को पकड़ो और पकड़ पकड़ के नसबंदी करो। ये काम संजय गांधी जी का था, मतलब दिमाग उनका था, है ना। ये तो फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम, क्योंकि हमें ये समझ में आ गया था माल्थस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि भारत में जो जनसंख्या है ना उसकी जो वृद्धि है वो हिंदू जनसंख्या वृद्धि है, मतलब हिंदू ग्रोथ रेट कहा गया था इसे। इसको मतलब एक प्रकार से एक शब्द दिया गया था, इसमें यह था कि हमारे यहाँ पर जनसंख्या 1 की 2, 2 की 4, 4 की 8, 8 की 8 की 16 होती है। मतलब इतनी जबरदस्त ग्रोथ से हम बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी जो क्या कहते हैं ना इसको, क्या कहते हैं इसको, जो देश की ग्रोथ रेट है वो देश की ग्रोथ रेट बहुत कम है। तो हम लोग अपने आने वाली जनसंख्या को कैसे रोजगार दे पाएंगे, उनकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? तो बोले एक काम करो, पहले इनकी पकड़ करके नसबंदी करो, यानी कि अब ये बच्चे पैदा ना कर पाए, है ना। इसको इंग्लिश में कुछ कहते हैं, मैं नाम भूल गया हूँ अभी इसका, नाम थोड़ा सा बता रहे हैं, हाँ कुछ, हाँ पकड़ पकड़ करके, मतलब वैसेक्टॉमी कहते हैं, हाँ टॉमी था याद दिमाग में, वैसेक्टॉमी कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें क्या है कि अब ये बच्चे पैदा करने लायक ही नहीं बचेंगे, ठीक है। तो ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है, इस प्रकार के प्रोग्रामों को इनिशिएट किया गया। हालांकि ऐसा नहीं था कि पकड़ पकड़ के किया गया, लोगों को कहा गया कि वैसेक्टॉमी करवाइए और पैसे ले जाइए ताकि जनसंख्या ना बढ़े, है ना। लेकिन लोग इतने डर गए कि नहीं करवाएंगे, क्या पता क्या हो जाए। तो भाई साहब मतलब साइकोलॉजिकल तमाम प्रकार के विचार आने लगे, तो उसके लिए पकड़ पकड़ करके भैया तुम डरो मत, बहुत सारी फिल्मों में ये सारी चीजें दिखाए गए हैं। लोग भाग जाते थे, जब पुलिस वाले वो मेडिकल वाले आते थे तो लोग खेतों में घुस जाते थे, दूर दूर तक रहे भैया मर जाएंगे हम, है ना। इन्फ्लेक्स ऑफ बांग्लादेशी शुद्धिकरण लगता था लोगों को ना। इन्फ्लेक्स ऑफ बांग्लादेशी रिफ्यूजीज बिफोर एंड आफ्टर 1971 इंडो पाक वार वाज एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फेलियर ऑफ दिस प्लान। तो हमने ना प्लान तो बहुत सही सा बना लिया था, लेकिन साथियों हम लोगों ने बड़ी दिक्कत क्या फेस करी कि हमारा जब 71 वाला वॉर हुआ तो साथियों बड़ी संख्या में बांग्लादेशी इंडिया में एंट्री कर गए। हाँ, तो बड़ी संख्या में जब बांग्लादेशी इंडिया में एंट्री कर गए तो अब इतने सारे लोगों को हम कैसे अकोमोडेट करें, क्योंकि इन लोगों की भी खाद्यान्न की आवश्यकताएं होंगी। हम पहले ही अपने ही मुद्दे से लड़ रहे हैं, 1971 का वॉर भी हो गया। देखिए इंडिया के साथ ना, देखिए एक और बहुत बढ़िया बात सिखाता हूं मैं आपको, जिस भी देश में गरीबी होगी उस देश के अंदर युद्ध जरूर होगा, उस देश के अंदर दंगे जरूर होंगे, उस देश के अंदर लूट खसोट जरूर होंगी। ये सब चीजें गरीबी से डिराइव होती हैं, और कोई भी देश जो गरीब है उसे इससे निकलने का तरीका क्या हो सकता है, तो वो होती है शिक्षा। गरीबी से निकलने का एकमात्र जो साधन अब तक किसी को पता चला है तो वो केवल और केवल एजुकेशन है। यही कारण है कि एजुकेशन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है हर सरकार की, क्योंकि एक अशिक्षा से, अशिक्षा यानी शिक्षित व्यक्ति अगर नहीं है तो वो गरीबी के बिल्कुल करीब है। आप पूछेंगे सर शिक्षित भी तो बेरोजगार हुए घूम रहे हैं। साथियों आज आप में से जो लोग बेरोजगार हुए घूम रहे हैं ना, इनकी गरीबी और एक वो व्यक्ति जिसको एक टाइम का भोजन नहीं मिल रहा, इनकी गरीबी में भी रात दिन का अंतर है। अगर अपना देश आप जितना भी पढ़ा लिखा हो जाए या इतना भी अमीर हो जाए कि उसके पास 2 टाइम का भोजन हो, तो भी हम अमेरिका जैसे देशों की हालत खराब कर देंगे। क्योंकि मुसीबत यह है कि हम अपने देश में लगभग 30% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको खाद्यान्न सरकार देती है, मतलब वो खाद्यान्न सरकार वाले से पलते हैं। बहुत बड़ी बात है। अभी 60 करोड़ लोगों को सरकार ने, जो पीएम किसान अन्न योजना चली थी उसमें धन अनाज बांटा है,
क्यों? क्योंकि अभी नहीं है भाई हमारी हालत इतनी अच्छी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में बड़ा मुद्दा ये था कि अब क्या किया जाए, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में आगे चलते हैं साथियों। अब क्या था इसमें, ये हुआ साथियों, हमने दो ऑब्जेक्टिव पकड़ रखे थे, और वो कौन कौन से थे? रिमूवल ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी हटाओ, और दूसरा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, कि हम कैसे भी करके मतलब रिलायंट हो जाएं, सेल्फ रिलायंट हो जाएं, ठीक है ना। अच्छा सर, आज राजस्थान के सीएम ने भी कह दिया कि सभी को नौकरी देना मेरे हाथ में नहीं। ऑब्वियस ही बात है ना, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का रोल नहीं होना चाहिए कि मतलब कांग्रेस क्या कह रही है, भाजपा क्या कह रही है। प्रैक्टिकल भी होना चाहिए कि हम लोगों को सरकार की निर्भरता के स्थान पर आत्मनिर्भरता पर फोकस करना होगा, भले ही ये नारा किसी का भी हो। आत्मनिर्भरता इंदिरा गांधी जी के समय पर भी थी, मोदी जी के समय पर भी थी, हमें सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा। लेकिन वही वाली बात है कि पकौड़े तलने की बात को काफी ज्यादा प्रमोट कर दिया जाता है ना। लेकिन वास्तविकता ये है कि एक व्यक्ति अगर वो खाना किसी से मांग के खा रहा है, इसकी जगह वो अगर कुछ भी करके सामान बेच करके धन कमा के खा रहा है, तो उसमें उसका आत्मसम्मान भी होगा और उसकी जो है मतलब ग्रोथ भी कंसिडर की जाएगी, ठीक है। प्रमोशन ऑफ हाई रेट ऑफ ग्रोथ, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सिग्निफिकेंट ग्रोथ एंड डोमेस्टिक रेट ऑफ सेविंग वर सीन इन द की इंस्ट्रूमेंट। अब लोगों से क्या कहा गया कि बोले आप लोग एक काम करें, और ये बहुत बड़ा काम था साथियों, और इसमें क्या था? हाँ जी हाँ, उषा आप रही होंगी उस समय पर ना, कि इंदिरा गांधी तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था, बस किया कुछ नहीं। हाँ आप बहुत पुरानी है बेटा, एग्जाम में कैसे बैठ पाएंगी आप? 74-5 के टाइम की आप हैं, तो एग्जाम के लिए तो एलिजिबल ही नहीं बची आप। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो आप, है ना। ऐसे मोदी जी ने भी कुछ नहीं किया, इंदिरा जी ने भी कुछ नहीं किया, कोई कुछ नहीं कर रहा, आप ही कर रही हो सब जो कर रही हो, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रही हो। बाकी तो ये सब लोग टाइम पास के लिए आते हैं। मतलब हम लोगों का क्रिटिसिज्म इस हद तक पहुंच गया कि हमें अपने सरकारों के काम ही याद नहीं आते, हम ये देखते नहीं कि हम कहाँ से शुरू हुए थे, है ना। एक लुटी हुई जनता से निकल करके हम दुनिया की 5वीं इकोनॉमी तक पहुंच गए। ना ये केवल मोदी जी का काम है, ना ये इंदिरा जी का काम है, हमारी हर देश की हर सरकार ने बहुत जबरदस्त तरीके से काम किए हैं, तभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं। प्लस माइनस विश्लेषण होता रहेगा, ये दिमाग में सोच मत रखिए, बड़ा बनना है आप लोगों को, अधिकारी बनना है, थोड़ा सोच सकारात्मक रखिए। अगर अधिकारी बनना है तो सोच में थोड़ी पॉजिटिविटी लाइए। हाँ जी आगे चलिए साथियों। ये हमने बताया प्रमोशन ऑफ हाई रेट ऑफ ग्रोथ, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये मैंने बताया। अच्छा लोगों को क्या कहा गया ये भी सुनिए साथियों, लोगों को कहा गया कि वो बचत को बढ़ाएं। अब बचत को बढ़ाएं का शब्द का मीनिंग क्या होता है साथियों? बचत बढ़ाने का मतलब होता है कि अगर हम लोग अपना पैसा, अभी देखिए पहले हमने क्या किया, नेशनलाइजेशन किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। अब राष्ट्रीयकरण करके उनसे कहा गया कि पैसे पैसे बचा करके क्या करनी है, बैंक में रखिए। उससे क्या होगा, जो जनता ने सेविंग करी उसके लिए बैंकों से, देखिए राष्ट्रीयकरण करके किस प्रकार से जनता को एक उसमें लाया गया, मतलब अंदर की तरफ चेन में घुसाया गया। कैसे हुआ कि बैंक लोगों से कहा गया कि अगर आप पैसा अंदर रखेंगे बैंकों में तो आपको 5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, है ना। तो 5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो लोग किस लालच में गए, अरे यार 5% मिलेगा। अब क्या हुआ, इधर की तरफ से 5% की लालच में लोगों ने अपना पैसा बैंकों में रखना शुरू कर दिया। देखिए पहले राष्ट्रीयकरण किया, फिर लोगों से कहा कि अपना पैसा बैंकों में रखो, तो लोग बैंकों में रखने चले गए, 5 साल के भीतर भीतर रखने चले गए, सरकार ने वो पैसा निकाल लिया। आप पूछेंगे अरे ये तो गलत बात हो गई, सरकार ने पैसा निकाल लिया ये तो अपराध है। नहीं भाई, सरकार ने पैसा इसलिए निकाल लिया कि अब आपके पैसे को हम इन्वेस्ट करते हैं, अब आपके पैसा इन्वेस्ट करके हम उससे धन कमाएंगे। ऐसा थोड़ी है पैसा रखा रखा कोई मुर्गी थोड़ी है जो अंडे देगी। आप लोग अगर ये सोचते हो कि अगर कोई भी बैंक जो है वो आपको 5% का ब्याज दे रही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस आपने आपके पैसे को देख करके सस्ता नशा कर रही है वो, कि मजा ही आ गया आज तो, कि मतलब यार इतना पैसा देख लिया, ऐसा नहीं होता है। आपका सारा पैसा तुरंत दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता है और आपसे कह दिया जाता है आप साल भर बाद आना, है ना, और उसको इन्वेस्ट करके ग्रोथ में डाला जाता है, वहां से उसकी वैल्यू बढ़ाई जाती है, फिर आपको वैल्यू से वैल्यू क्रिएट की जाती है। ये एक बेस्ट तरीका है। आपको पता है उस समय आप अपने बाबा दादाओं से पूछना, वो बताएंगे आपको, एक किसान विकास पत्र करके योजना निकाली सरकार ने। अगर आपको मालूम हो तो कल परसों भी मैंने आपको एक चीज पढ़ाई है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आरबीआई ने हाल ही में आरबीआई डायरेक्ट शुरू किया है। आपको मालूम हो तो आज ही मैंने कल परसों में पढ़ाया था आपको, जिसमें मैंने बताया था गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है कि वो क्या बोलते हैं, आप गवर्नमेंट से गवर्नमेंट सिक्योरिटी डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि सीधा सरकार के पास पैसा पहुंच सके। आगे बात समझ में? तो ये पैसे कमाने के इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है बेटा। चलिए 1975 में आपातकाल की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर जोर दिया गया।
फिर आ गया आपातकाल। फिर से कह रहा हूं, जब आपकी ग्रोथ रेट जितनी आप लेके चल रहे हो उतनी नहीं हो रही, देखिए हर जगह हम फेल मार रहे हैं, यहां सोचा इतना चले गए जाएंगे नहीं का जा पाए, फिर देखा इतने चले जाएंगे हम नहीं जा पाए, पांचवी पंचवर्षीय योजना में हमने हल्का सा ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट किया, 4.8% तक हम पहुंचे, ठीक है। तो साथियों ऐसी स्थिति में ये वाली जो 20 सूत्री कार्यक्रम, अब हाँ ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, अब आपको ये भी समझना होगा। देखिए देश में आपातकाल आया, आपातकाल आया उस समय पर 1975 आपातकाल, पांचवी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, 1977 आ गया, 1977 के अंदर इंदिरा जी के खिलाफ जनता में रोष हो गया, ऐसी स्थिति में 1978 में जनता पार्टी की सरकार आई, पहली नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट आई। जब पहली नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट आई तो उनको सबसे पहले क्या लगा कि भाई हमको, अब देखिए जब भी नई सरकार आती है ना उससे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं होती हैं कि अब ये सरकार आ गई है तो ये पुराना काम सारा सही कर देगी, क्योंकि नए लोगों को मौका तभी दिया जाता है जब वो बड़े बड़े वादे करते हैं। अब जैसे मोदी जी ने वादा किया था कि ये भ्रष्टाचार मिटाएंगे, 5 लाख रुपए सबके अकाउंट में डालेंगे, 15 लाख जो भी था वो सब डालेंगे, तो ये अपेक्षाएं है ना जिसकी वजह से कोई सरकार आई, तो आपको उन अपेक्षाओं तक पहुंचने के लिए दिखाना भी तो पड़ेगा कि आप कुछ कर रहे हो। जैसे मोदी जी ने आते ही क्या किया, पांचवी जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, प्लानिंग कमीशन को ही खत्म कर दिया कि हम नए सिरे से प्लानिंग करेंगे तभी हम इतना बड़ा आगे बनेंगे। आ गई बात समझ में? यही सारा काम जनता पार्टी ने भी किया था, जनता पार्टी ने उस समय चल रही जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी उसे रोक दिया, उसे तुरंत रोक दिया कि रोको इसे, क्योंकि हमारे पास है मास्टर प्लान, हम उसके माध्यम से आगे आएंगे, हम नई योजना लाएंगे, है ना, और हम इंडस्ट्री और कृषि को प्राथमिकता देंगे, और इंडस्ट्री और कृषि को प्राथमिकता देकर के हम पंचवर्षीय योजना लाएंगे। आ गई बात समझ में? तो साथियों इसके लिए अब क्या हुआ, 1978 में, देखिए ये लाई कब से कब तक के लिए गई थी, इसका समय पूरा हो रहा था 79 में, है ना। तो साथियों इस समय जब 79 में लाई गई थी तो 78 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जब जनता सरकार आई तो जनता सरकार ने कहा कि पंचवर्षीय प्लान छोड़िए और हम अगेन वार्षिक योजना लेकर के आना चाहते हैं। आकृति 20 का बोलते हैं बेटा इसको, 20 सूत्र कार्यक्रम, हर क्षेत्र के हिसाब से कार्यक्रम, ना कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या करने वाले हो, पानी के लिए क्या करने वाले हो, संचार के लिए क्या करने वाले हो, ऐसे कुछ कार्यक्रम बनाए गए थे राज्यों के हिसाब से भी, है ना। आर्थिक सर्वेक्षण में हर राज्य के होता है ये, अभी मतलब वो नहीं है, ठीक है। तो ये क्या आए कि नहीं हमको ईयरली प्लानिंग करनी है क्योंकि जल्दी से हमें कुछ देखना है। अच्छा तो ऐसी स्थिति के अंदर ये अपने द्वारा पहली चीज तो क्या लेकर के आए कि कैसे भी करके हमको 2 साल के लिए सरकार चलानी है। इसके बाद में हम लोग जनता गवर्नमेंट जो है इसने कहा कि अब हमारा अपना एक वो आएगा, 5-ईयर प्लान आएगा। अब आप पूछेंगे कि सर 1 मिनट बताइए, 5-ईयर प्लान तो आ रखा था ना सर, ये 5-ईयर प्लान तो 74 से 79 का था ही, चल ही रहा था पांचवा। मैंने कहा बेटा ये तो चल रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, जनता गवर्नमेंट को लगा कि हमें कुछ तूफानी करना है इसलिए ये अपना प्लान ले आए, और अपना प्लान ले आए तो 6ठा प्लान आ गया। अब सुनना इसके ध्यान से, वो कब तक चलना था, 78 79, ये 5 साल तक, 1983 तक चलना था, लेकिन सरकार फिर गिर गई। तो फिर गिर गई तो इंदिरा जी की सरकार फिर से आ गई, तो इंदिरा जी की सरकार फिर से आ गई तो इन्होंने मुश्किल से 1980 तक ही पहुंचने का काम किया होगा, 1980 तक 2 ही साल हुए होंगे, तो चल तो ये प्लान रहा था, तो इसी को रोलिंग प्लान कहा गया, है ना। तो ऐसी स्थिति में फिर से जब कांग्रेस सरकार आई तो इनने कहा कि टेक्निकली हम लोगों की पांचवी पंचवर्षीय योजना 79 में खत्म हो रही थी, 2 ही साल जनता सरकार चल पाई, अब हम अपना प्लानिंग फिर से लेके आ रहे हैं। तो साथियों ये अपना प्लानिंग फिर से ले आए, 1980 में 6ठा 5-ईयर प्लान आया। तो 6ठा 5-ईयर प्लान 2 बार आया, आ गई बात समझ में? तो फिर इनका क्या हुआ, किनका, जनता सरकार वाली 5-ईयर प्लान का, ये केवल 2 ही साल चल पाया, 2 ही साल चल पाया तो ये क्या कहलाएगा, ये एनुअल प्लान था क्या, जो पहले आया था वैसा प्लान था क्या। मैंने कहा नहीं, सोच करके तो इसको यही बनाया गया था कि ये 5-ईयर प्लान है, ये सोच करके तो यही बनाया गया था कि 5-ईयर प्लान है इसको, लेकिन चला 2 ही साल पाए इसलिए इसे रोलिंग प्लान नाम दिया गया। 2 ही साल चल पाया इसलिए, मतलब कि काम चलाऊ प्लान, है ना, रोलिंग प्लान का मतलब एक तरह से काम चलाऊ काम, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आप सभी साथियों को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों, 1980 तक हम पहुंचे तो 6ठा पंचवर्षीय योजना आ गई। अब क्या है, 6th पंचवर्षीय योजना जो थी, पांचवी वर्ष मार्क द बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया। अब जाकर के इंदिरा जी को यह समझ में आ चुका था कि हमने बहुत कुछ कर लिया,
अल्टीमेटली गरीबी के साथ कुछ हो नहीं पा रहा। लोगों से कह दिया बैंक में पैसा रखो, लेकिन रोजगार कैसे बढ़े इसके लिए जरूरी है कि लोगों को आह्वान किया जाए कि वो भी काम करें। भाई सरकार ही सरकार सारा काम करेगी। देखिए मुझको बहुत सारे विद्यार्थी जो है ना, मतलब इस चीज के लिए क्रिटिसाइज करते हैं, और कई बार तो वो लोग टारगेट भी कर देते हैं कि सर आप किसी पार्टी एक्स पार्टी के हो वाई पार्टी के हो, कम कम नॉलेज के साथ में, कि आप कांग्रेस के हैं, कई बार कह रहे हैं आप भाजपा के हैं, मतलब किसी ना किसी पार्टी से रोल कर ऐड कर दिया जाता है। वास्तविकता अगर आप थोड़ा सा भी इतिहास पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हमारा देश तब तक एक सुपर पावर नहीं बन सकता जब तक हम में से हर व्यक्ति जो उसका पोटेंशियल है, जो वो कर सकता है, उसके लिए वो सरकार पर निर्भर ना रहे, वो थोड़ा आजाद रहे। क्या आपको अच्छा लगेगा क्या कि आप साइकिल चला रहे हैं, पीछे से पापा ने हाथ पकड़ रखा है? नहीं लगेगा ना। आपको अच्छा तभी लगेगा जब पापा पीछे से हाथ हटा लें और आप खुले में साइकिल चलाएं। तो यही था लिबरलाइजेशन। तो साथियों छठी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने कहा हर काम हमसे करने की उम्मीद मत करिए, आप खुद से भी काम करिए, खुद के बिजनेस डालिए, जिनके पास पैसा है वो खुद रोजगार चलाएं, लोगों को रोजगार दें। आज मेरे साथ में 27 लोग काम कर रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए 27%। ये कैसे हुआ? मैंने ये थोड़ी है कि मैं काबिल नहीं था या काबिल नहीं हूं, हूं सब कुछ है, लेकिन सरकार पर अगर मैं आश्रित रहता तो मैं आज तक बेरोजगार रहता। आप ऐसे समझिए कि भाई मैं आज अगर आरएएस में सेलेक्ट होकर के अच्छी रैंक पर पहुंचा हूं तो मैं इसका मतलब आज तक इसी इंतजार में रहता कि यार मैं तो बेरोजगार हूं, एक दिन ही काम चलेगा, तो फिर भाई मैं इतनों को रोजगार देखे बैठा हूं उसका क्या करें। आ गई बात समझ में? मुद्दा यह है साथियों कि सरकार का कहना था कि आप चिंता ना करें, जिसके पास जो भी संसाधन है उससे काम करना शुरू कर दें। तो ये था लिबरलाइजेशन। आ गई बात समझ में? द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान वाज पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड टेक्नोलॉजी सेल्फ रिलायंस। मतलब अल्टीमेटली हम इससे क्या चाहना चाह रहे थे कि आप लोग खुद से काम करना शुरू करें, हमसे परमिशन लें और हम आपको रोकेंगे नहीं, जिसको करना है धंधा करें। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, इसी के साथ साथ भद्रावती स्टील प्लांट इसी दौरान बनाए गए और भारत ने ग्रोथ में सकारात्मकता देखी। भारत ने ग्रोथ रेट में क्या देखी? सकारात्मकता देखी। और इसी दौरान साथियों नाबार्ड की स्थापना की गई। हाँ भाई एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए नाबार्ड क्या होता है, नाबार्ड की फुल फॉर्म बताइए। बैंक है, बहुत बढ़िया बात है। लखनऊ में मुख्यालय है ये भी मैं बता देता हूं, और कंटाला पंटाला क्या है वो इसके वो हैं, एक नाम भी है इनके कुछ हेड वेड का है ना, चिंताला पंटाला कुछ इस तरह का नाम है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। अब ये क्या मतलब है इसका? चिंतालू, हाँ ठीक है ना। हाँ तो देखिए इस फुल फॉर्म को पकड़िए, क्या बोल रहा हूं मैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड। इसमें होना क्या था साथियों, इसके अंदर अल्टीमेटली ग्रामीण क्षेत्रों को भी ये कहा गया कि आपके लिए हमने बैंक बना दी है, आप पैसे लें और आप पैसे लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन्वेस्टमेंट करें। अब आप पूछेंगे गांव में कोई क्या इन्वेस्टमेंट करता है? अरे भाई आज आप देखते हैं कि ग्रामीण बैंकों में बहुत सारे लोग, जो आप देखते हैं ना ट्रैक्टर चल रहा है किसी के पास, किसी के पास क्रेशर चल रहा है, किसी के पास कोई काम धान कुटाई का चल रहा है, कोई चक्की लगा के काम कर रहा है ना, ये सब जो है ये लोन पर मिले। आई बात समझ में? और इसको लोन देने के लिए नाबार्ड बनाया गया। नाबार्ड करता क्या था फिर सर, कैसे पैसा आया? तो देखिए जिन लोगों ने बैंक में पैसा रखा था वो पैसा सरकार ने नाबार्ड को दिया। अब देखना आपको एक जबरदस्त बात सिखाता हूं मैं साथियों। आपने कभी, अगर जो आप में से कोई बैंक का विद्यार्थी होगा तो उसे पता होगा, हमारे यहां पर क्या होता है कि प्रायोरिटी सेक्टर डिसाइड करती है सरकार। प्रायोरिटी सेक्टर मतलब, प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब है कि अगर किसी बैंक को लोन देना है तो इन्हें प्राथमिक रूप से लोन दिया जाना चाहिए। और साथियों भारत ने 40% तक प्रायोरिटी सेक्टर में लोनिंग की बात की हुई है, यानी 40% तक आपको प्रायोरिटी सेक्टर में लोन देना है। फिर आप पूछेंगे अच्छा ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। तो सर एक बात बताइए, प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर अगर लोन देने की बात हो रही है तो फिर लोन देगा कौन? तो बेटा होता क्या, जैसे एसबीआई है, एसबीआई को कहा गया कि किसानों को लोन दो, एसबीआई कह रहा है सर मेरे साथ किसान संपर्क में ही नहीं आता, क्योंकि मैं तो शहर में मतलब ऑफिस खोल के बैठा हूं, या फिर गांव में जा रहा हूं तो वहां पे जो लोग नौकरी पेशे वाले हैं वो आते हैं। तो बोले फिर सरकार ने कहा अच्छा तो कोई बात नहीं, तुमको 10 करोड़ रुपए एक साल में लोगों को लोन देना था, तुमने 4 करोड़ लोन केवल ग्रामीण लोगों के लिए रखा कि गांव वालों को देना है, लेकिन तुम तब भी नहीं दे पाए, कोई बात नहीं। अब तुम एक काम करो,
तुमने कितना दिया? बोले सर मैं तो 1 करोड़ रुपए ही अभी तक लोन दे पाया हूं ग्रामीण क्षेत्रों में। तो बोले एक काम करो, तुम लोग जो है ना 3 करोड़ रुपए नाबार्ड को दे दो। अपने 3 करोड़ रुपए, बिल्कुल केशव समझ गए आप, बिल्कुल तुम 3 करोड़ रुपए उठाओ और किसको दे दो? नाबार्ड को दे दो। बोले फिर नाबार्ड क्या करेगा? बोले नाबार्ड रूरल ग्रामीण बैंकों की स्थापना करेगा, रूरल ग्रामीण आंचलिक बैंक आपके क्षेत्रों में होंगी, देखिए याद करिए, और उन ग्रामीण आंचलिक बैंकों को नाबार्ड पैसा देगा। तो नाबार्ड असल में है क्या? देखिए मैंने कहा था आपसे कि मैं पढ़ाऊंगा 5 पंचवर्षीय योजना, समय खाएंगी, लेकिन असल में ये आपको एक समझ विकसित करेंगी कि देश चला कैसे, देश चला कैसे, ये आपको समझ में आएगी। देश ऐसे चला साथियों, हमको लगता है सरकारें कुछ नहीं करती हैं, सरकार ने कोई नियम बना दिया कुछ नहीं होगा। अरे भैया आज आप जो देख रहे हैं ना बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी हुई, ये कभी ना कभी के डिसीजन के परिणाम है। आज हम सोचते हैं कि राजस्थान के अंदर इंदिरा गांधी कैनाल का पानी आ रहा है, तो भैया कभी ना कभी गोविंद वल्लभ पंत जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था, नेहरू जी ने सपना देखा था तब जाके पानी आया। हम बातें करना जानते हैं, हम सरकारों की, आज मैं क्या बोल रहा हूँ, आज आपको दिख रहा है ना कि मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, आने वाले 5 साल 10 साल बाद देखना कि ये जो आज के डिसीजन है ये बहुत बड़ा परिणाम लाएंगे, लेकिन इनका जेस्टेशन पीरियड बहुत ज्यादा है। हर सरकार के साथ ऐसा होता है। आपको लगता है कांग्रेस ने बुरा किया? बिल्कुल नहीं, अच्छा बुरा दोनों किया। ऐसे ही क्या भाजपा ने बिल्कुल बुरा किया? नहीं, अच्छा बुरा दोनों ने किया। मतलब जो जो शब्द है ना इसको पकड़ने का प्रयास करें, सरकारों को कोसे नहीं भाई, ये बहुत लंबे लंबे क्षेत्र के काम करती है, और अल्टीमेटली आज हम इसी कारण से यहां तक पहुंचे हैं। आज हमारे राजस्थान में भाई, पश्चिमी राजस्थान में खेती होती है, बढ़िया से खेती होती है, वो इंदिरा गांधी कैनाल का परिणाम है, समझ रहे हैं आप? आज हम देश में इतना कुछ खाद्यान्न पैदा कर रहे हैं, ये किसी ना किसी सरकार का परिणाम है। इस प्रकार से आप चीजों को थोड़ा सकारात्मक होकर सोचें, ठीक है? तो हमने क्या किया ये मैंने आपको बता दिया, नाबार्ड के कहने से क्या हुआ ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है बेटा? अब चलते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना पर, और 7वीं पंचवर्षीय योजना से आगे का हम कल पढ़ेंगे बेटा, है ना? थोड़ा सा समझ विकसित करके रखिए और पढ़ते रहेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच।